नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के तहत चार पदों के लिए आज वोटों की गिनती हुई, जिसमें एबीवीपी ने चार में तीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, संयुक्त सचिव के पद जीत हासिल की है, जबकि एनएसयूआई सचिव का पद जीतने में कामयाबी मिली है। पिछले साल भी दूसरों के चुनाव में एबीवीपी ने तीन पदों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनएसयूआई को एक सीट मिली थी। तो एबीवीपी की बड़ी जीत, अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत तीन पदों पर परचम लहराया है और नतीजे पिछले बार की तरह ही नजर आए हैं। दूसरों चुनाव के नतीजे एबीवीपी के खाते में ज्यादा गए हैं, चार में तीन सीटें गई हैं सीधे तौर पर एबीवीपी के साथ। हालांकि मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय कहा जा रहा था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो पूरी तरह से एबीवीपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत तीन पदों पर जीत हासिल की है। छात्र संघ चुनाव तीन सीटों पर एबीवीपी का कब्जा हो गया है। एनएसयूआई के खाते में महज एक सीट आई है। एबीवीपी ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद जीता है। संयुक्त सचिव का भी पद एबीवीपी के ही खाते में गया है, उसने जीत दर्ज की है। एनएसयूआई के आशीष लांबा जीत उन्होंने दर्ज की है। एक ही खुशी एनएसयूआई के पास आ सकी है, इस बार तीन सीटों पर एबीवीपी ने कब्जा किया है। तो डूसू के अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी ने अक्षित दैया को उम्मीदवार बनाया था और एबीवीपी ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत संयुक्त सचिव के सीटों पर जीत दर्ज की है। और लगातार जो अंतिम फैसला था वो सेक्रेटरी पद को लेकर था, उस पर भी पेच साफ हो गया है, वो भी एबीवीपी के खाते में गया है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, एक बार फिर से एबीवीपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, नतीजे पिछली बार की ही तरह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस बार भी चार में से तीन सीटों पर काबिज हुई है एबीवीपी, जिसमें प्रेसिडेंट पोस्ट पर अक्षत धैया है, वाइस प्रेसिडेंट पर प्रदीप तंवर है, सेक्रेटरी एनएसयूआई के पास है अक्षत लांबा जीते हुए हैं और आशीष लांबा जीते हुए हैं, और साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी की अगर बात करें तो इस पर शिवांगी खलवाड़ जो कि एबीवीपी से हैं वो जीती हुई है। यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। एनएसयूआई के जो इकलौते जीते हुए कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल मीडिया उन्हें घेरे हुए है। एनएसयूआई के लिए एक सीट आना जो है वो फिलहाल सेलिब्रेशन का सबब बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो बात करने की कोशिश आशीष से यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर एबीवीपी की बात करें तो पिछली बार की तरह ही नतीजे देखने को मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सीट जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, वो एबीवीपी ने इस बार हासिल की है। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर भी कड़ा मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि प्रेसिडेंट सीट के लिए जो जीत का मार्जिन है वो 19,000 वोटों से ज़्यादा रहा है। यानी कि अक्षत धैया जो जीते हैं चुनाव चेतना त्यागी की तुलना में, उनको 19,000 से ज़्यादा मार्जिन से उन्होंने ये जीत हासिल की है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कैंपस का माहौल लग रहा था और सुबह से बनी हुई बढ़त दिख रही थी, तो ये साफ लग रहा था कि एबीवीपी की बढ़त रहेगी। यहाँ तस्वीरों में आप आशीष लांबा को देख सकते हैं, एनएसयूआई के आशीष लांबा जो फिलहाल यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और एबीवीपी को तीन सीटें मिली हैं, अहम सीटें मिली हैं, लेकिन एनएसयूआई का वर्चस्व पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है कैंपस से, ये देखने को मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि बीच में आयशा भी कॉम्पिटिशन में नजर आ रही थी, पर अंत आते होते होते जब रिजल्ट खत्म हुए तब तक ये साफ हो गया कि डीयू की लड़ाई जेएनयू से बिल्कुल अलग है और यहाँ पर मुकाबला सिर्फ एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच ही रहता है। जी, वोट परसेंटेज को लेकर प्रियंका क्या कहा जा रहा है? जानकारी ये है कि जो नतीजे सामने आए महज 40% मतदान ही हो पाया। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पिछली बार की तुलना में 4% इस बार मतदान जो था वो कम हुआ है। 39.90% इस बार वोटर टर्नआउट था। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एनएसयूआई के जो लोग हैं फिलहाल वो जा चुके हैं। लोअर टर्नआउट जब भी होता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एबीवीपी के पक्ष में जो फैसला रहता है वो नजर आता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखा गया, काफी उदासी थी। खासतौर पर अगर बात करें कैंपस कॉलेजेस की, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो, खासतौर पर अगर नॉर्थ कैंपस हो तो वहाँ पर काफ़ी लोअर टर्नआउट रहा वोटर्स का। और ये अब जो नतीजे सामने आए हैं तो साफ है कि जितने लोगों ने वोट किया, क्योंकि ज़्यादातर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो आउटर में साउथ के कैंपस के जो कॉलेजेस हैं वो जमकर वोटिंग करते हैं। आपको यहाँ पर बीजेपी नेता रोहित चहल हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित चहल, बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन 4-0 नहीं कर पाए आपकी पार्टी। देखिए, मुझे लगता है कि एक अगर आप मार्जिन देखें तो पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन पे अगर अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष देखेंगे तो लगभग 20,000 का मार्जिन है। एक इतिहास रचने का काम आज इस
विद्यार्थी परिषद के अगर अध्यक्ष पद की बात करें तो हुआ है। मानता हूँ थोड़ी सी कमी सचिव पद पे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स ने हम लोगों को जिस तरीके से साथ दिया है, स्टूडेंट्स का प्यार मिला है, और जिस तरीके से अपना 12 महीने पूरा साल भर जो विद्यार्थी परिषद एक्टिव रहा, तो उसी का परिणाम है कि इधर विद्यार्थी परिषद एक बड़े मार्जिन के साथ दूसरों में जीती है। और स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं एक्टिविज्म रहने की वजह से आंदोलन जो स्टूडेंट्स को मुद्दों को लेकर किए हैं, उसी का नतीजा है कि विद्यार्थी परिषद इतने बड़े मार्जिन से जीती है। एबीवीपी की इस जीत का श्रेय किसे देंगे? मैं स्टूडेंट्स को दूंगा, स्टूडेंट कम्युनिटी को दूंगा, और पूरे साल जो स्टूडेंट्स के बीच में एवीपी जो हमारे कार्यकर्ता थे वो सब जो सक्रिय रहे, पूरे साल भर जो मेहनत करी, स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर लड़े, आंदोलन किए, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स के बीच में रहने का एक नतीजा है कि विद्यार्थी परिषद को इतनी बड़ी जीत मिली है, तो मैं कहूंगा कि भगवा यूनिवर्सिटी पे ध्वज लहराया है। और पिछली बार से ज्यादा वोटों से भारतीय, ये देखिए जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत मिली है, तो एक बहुत ऐतिहासिक जीत है मैं कहूंगा। अभी तक का चुनाव में मुझे और एनएसयूआई संगठन का जिन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया चुनाव में और मुझे यहाँ पर जिता के लाए, मैं अकेला नहीं जीत गया हूँ। नीरज मैम, नीरज सर का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और रुचि गुप्ता मैडम का, हमारी इंचार्ज का। देखिए हमारी लड़ाई उस विचारधारा से, आपको मैंने पहले भी बताया था, हमने इस बार स्टूडेंट्स के बीच में जाके ये जो घिनौनी हरकतें एबीपी द्वारा करी जा रही थी उनको बताया है। स्टूडेंट्स ने मुझ पर विश्वास किया, मैं काम करूंगा और सबसे पहले मैं अपनी जीत का श्रेय सिर्फ मेरे बड़े भाइयों को। हमारे मुद्दे तो हमारे मैनिफेस्टो में 1 crore 1 fees 1000 crore rupees का जो एडिशनल मिला डीयू का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैंने अपने आपको पहले भी मैंने बताया था, खिलाड़ियों के लिए मैं सीट इंक्रीजमेंट चाहूंगा और बेटर फैसिलिटीज हॉस्टल वगैरह के। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने बड़े भाइयों का धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रदीप विजयरण भैया का, विकास शिकारा भैया का, आकाश चौधरी का, रॉकी तुशीट पूर्व अध्यक्ष का, और सुरेंद्र भाई और हमारे पूर्व सचिव अमित सिद्धू टीमा भैया का।